जय गुरु शंकर। गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन करता हूँ और गुरु महाराज के प्यारी संगत को भी हाथ जोड़कर सादर नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो महाराज का अनंतम बेअंत शुक्राना करता हूँ अपने चरणों से जोड़े रखने का, और साथ में आज इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा संगत सत्संग करने का मौका देने के लिए अनंतम शुक्राना महाराज का मैं करता हूँ। संगत जी, वास्तव में हम सबके सब बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु के शरण में हैं जिनके आगे सारे देवी देवता नमन करते हैं। अब अगर मैं सोचता हूँ ना कि हम किनके सामने बैठा किया करते थे तो बड़ी फक्र भी होता है, और उस टाइम कितने अनभिज्ञ थे कि कहाँ बैठे हैं। संसार के ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड महाराज ने फंसा हुआ है। तो इनका तो हम जितना शुक्राना करें संगत जी उतना थोड़ा है। अपने पास बुलाया, अपने चरणों में बिठाया और ब्लेस किया, काफी ज्यादा ब्लेस किया। सच्चाई तो ये कि अभी पिछले दिनों में एक सत्संग अटेंड कर रहा था, उसमें एक शब्द चल रहा था, मेरे गुरु जी और कोई ना, सदके जा मैं वारी जा, मेरे गुरु मेरे जी छंडली छा, वारी जा बलिहारी जा। संगत जी, यही बहुत बड़ा सत्य है। हमारे गुरु महाराज की छाओ, प्रोटेक्शन, संरक्षण कितना बड़ा है कि इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। यहाँ सब कुछ मिलता है, केवल आपकी थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए, आपका विनम्रता चाहिए आपके अंदर, यहाँ सब कुछ मिलता है। हम तो बहुत ज्यादा धन्य है कि ऐसे महाराज की हमें शरण मिली है। जितना हम शुक्राना करें, बार बार शुक्राना करें, और परिवार के हर एक सदस्य को महाराज ने ब्लेस किया एक के बाद एक। मैं अपने सत्संग करने से पहले आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे सत्संग में ना मैक्सिमम महाराज के फोटो के द्वारा मेरा कल्याण हुआ, महाराज के विजन के द्वारा मेरा कल्याण हुआ परिवार का, और हर चीज का मतलब, क्योंकि महाराज से कभी भी वार्तालाप नहीं हो पाया। ये करीबन जाना, हालांकि 2004 में महाराज ने बुला लिया था। अचानक ही एक दिन, बड़ा गंदा टाइम मेरा चल रहा था, सच्चाई तो ये है, और तभी महाराज बुलाते हैं कि हाँ कोई मेरा भगत है, और तो मतलब उसको नहीं, उसको रास्ता मिल रहा तो महाराज बुलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मेरा समय भी 2004 में बहुत 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 ज्यादा गंदा था संगत जी, कहीं मुझे एक रास्ता नहीं मिल रहा था, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी, इधर उधर कहीं मैं चारों तरफ जहां भी कोई कहता वहीं चला जाता था। और समस्या भी क्या थी, घर में अशांति, घर में अनंत की अशांति थी, और शायद दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस बड़ा नहीं होता, कोई बीमारी बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर अशांति आपके परमानेंट है तो उससे बड़ी कोई समस्या नहीं होती। और महाराज ने मुझे उसकी समस्या के समाधान के लिए बुलाया। मैं कहूंगा कि मेरे ऑफिस के अंदर एक मेरा कुलीग थे, और कुलीग क्या, मैं उनका तो हर कदम पे शुक्राना करता हूँ। अचानक एक दिन बोलते हैं कि जोशी जी, एक यहाँ एम्पायर स्टेट में गुरु जी बैठते हैं, आप यहाँ वहां चलोगे क्या? मैंने कहा भाई कोई अच्छा स्थान होगा तो जाने में कोई वो नहीं मुझे, पर एक चीज बता दो संगत जी, किस आदमी को मेरी किसी समस्या के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी थी कि किसी बाहर से शेयर कर ही नहीं सकता था, कोई घर की बातें नहीं करता बाहर, तो इसको कुछ नहीं पता था, लेकिन गुरु महाराज को पता था, और उन्होंने इस शख्स के माध्यम से मेरे पास बुलाव भेजा कि चलो ये क्या। मैंने कहा जरूर चलेंगे, और मैंने इस आदमी से ये नहीं पूछा कि भाई कौन से गुरु जी, हाँ उसने कहा थे एम्पायर स्टेट में गुरु जी बैठते हैं, मैंने ये नहीं पूछा कि गुरु जी का उनका नाम क्या है। और सच्चाई तो ये कि गुरु जी का नाम तो संगत जी पता ही नहीं था, ये 2004 की बात है, और 2004 की बिगनिंग में कह सकता हूँ फर्स्ट हाफ की। अच्छा, मुझे ये नहीं आज तक ये पता कि मैं दिन, तो लोग तो दिन याद रखते हैं, मुझे तो महीना तक भी याद नहीं कि भी कौन से महीने में जाना शुरू किया था, पर इतना पता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2004, क्योंकि ये तो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि महाराज इस तरीके से बाजू पकड़ लेंगे जो कि सारी उम्र हमारा कल्याण करेंगे, कभी नहीं सोचा था। ठीक है, अभी जा रहे हैं, हो सकता है 2-4 दिन जा करके रह जाएंगे या एक ही बार जाएंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल ही पता है कि हाँ भाई किस दिन में जाना शुरू किया, ऐसा मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं।
इट वॉज फर्स्ट हाफ ऑफ 2004। एनीवे जो कहना चाह रहा हूँ कि मुझे गुरु जी का नाम 31 मई 2008 को पता लगा संगे जी कि गुरु जी का नाम फला फला है, और आज तक भी अपने मुंह से महाराज का नाम नहीं निकाला, और दिमाग में ये बस गया कि गुरु जी का नाम गुरु जी ही है। और सच्चाई ये भी है कि वास्तव में मेरे जैसे बहुत लोग वहां पर होंगे जो यही समझते हैं गुरु जी का नाम गुरु, अक्सर वो बहुत पुरानी संगत हो जिनको पता होगा, लेकिन गुरु जी का नाम शेयर करना ही एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा अपराध था। एक बार महाराज का एक नाम छप गया था एक मैगजीन के अंदर, तो वो मैगजीन बैन हो गई थी कि सत्संगत का कोई भी आदमी इसको पढ़ेगा नहीं, एंड नोबडी रेड दैट मैगजीन। मैं तो कहने का गुरुजी ही के नाम से जाने जाते थे, उनका नाम तो जब 2008 में 31 मई 2008 को डुबरी में इनके नाम का पाठ बैठा, तब पाठी ने जो बोला तब पता लगा कि महाराज का नाम ये है। टिल डेट इफ एनीबडी आस्क मी कि गुरुजी का नाम क्या है, तो मैं अपने मुझसे नहीं बोलता, नहीं बताता, क्योंकि भगवान का कोई नाम हो ही नहीं सकता। और ये तो ज्योति शहर ज्योति में चले गए, तो मानव रूप लिया है, हमारा कल्याण करने के लिए नाम देना ही था, संसार में आए तो वास्तव में भगवान का नाम नहीं कोई लेता, और खासतौर पर ऐसी ऐसे शख्सियत का। तो महाराज गुरु जी सॉरी संगत जी, समय बहुत गंदा था, वो आदमी मुझे उसी दिन अपनी गाड़ी के अंदर ले गया, मेरे पास अपना कोई वाहन नहीं था उस वक्त, बच्चों के पास था, तो वो अपने अपने कामों पर चले जाते थे, वो मुझे बैठा करके ले गया। मतलब कहने का गुरु जी का स्ट्रांग बुलावा था, और वहां गए एम्पायर स्टेट में, जैसे मत्था टेका तो सबसे आगे में जाके बैठ गया, तो उस टाइम महाराज आए नहीं थे सिंहासन पर, और थोड़ी देर के बाद आए, मत्था टेका जैसे समय टेका था, बाद में लंगर प्रसाद चाय प्रसाद सब कुछ वाजा है जूर जैसा एम्पायर स्टेट में आजकल भी चलता है। और वहां का सबसे बड़ी चीज संगत जी यही अच्छी लगती थी कि बहुत ही पीसफुल शांतिप्रद, और क्या गुरु जी का ओरा होता था, बस वही निहारते बनता था कि देखते ही जाओ गुरु जी को, देखते जाओ, और ज्यादा देर आप देख भी नहीं सकते, ज्यादा देर क्या थोड़ी देर भी नहीं देख सकते गुरु जी के चेहरे पर, आप निगाह नहीं टिका सकते थे बिल्कुल भी, हिम्मत ही नहीं पड़ती थी बिल्कुल भी। एक भाई और लगता ऐसा था कि गुरु जी सबको देख रहे हैं, महाराज सबको देख रहे हैं, ये लगता था। एनीवे मेरी जो ले गया था उसने इंट्रोडक्शन कराया कि गुरु जी ये ऐसे ऐसे गुड़गांव से आए हैं और मतलब प्लाजा काम करते हैं, तो महाराज ने केवल संगत जी मेरी तरफ निगाह भर के देखा, मुझे ये नहीं कहा कि आते रहा करो या हफ्ते में दिन आओ या ना आओ, एक शब्द ही बोला, लेकिन वो जो निगाह थी वो निगाह मेरी मेरे ऊपर वो आज तक मेरा कल्याण कर लिए। अभी संध्या उसके बाद महाराज ने कभी मेरे से कोई बात नहीं करी, मेरे परिवार के किसी आदमी से कोई बात नहीं करी, जबकि लगातार हम वहां जाते रहे। ये महाराज का कल्याण करने का एक अलग से अपना ही तरीका रहा होगा मेरे हिसाब से। हो सकता है कि कर्म बहुत ज्यादा गंदे हो जिनको कटने में बहुत समय लगना होता और अगर मेरी कोई बातचीत महाराज कर लेते मेरे से, तो हो सकता मैं उनसे मांग बैठता कुछ, और संगत जी ये भी नहीं पता था कि मंगी जानी मंगी, कुछ भी नहीं पता होता था, वहां पर कोई बताने वाला नहीं होता था, और किसी से कोई बातचीत तो होती नहीं थी बिल्कुल भी कि कोई पूछ ले किसी से। और जो आदमी मुझे ले गया था वो बस एक ही बार या दो बार ही गया, उसके बाद वो तो जाना छोड़ दिया, इन द सेंस वो किसी और दिन जाता होगा, पर उसके बाद हम अकेले ही जाते थे, हफ्ते में एक बार जाना, कभी कभी बीच में मिस भी हो जाता था, उसकी कोई वो नहीं, कभी कोई मेरे से गुरु महाराज से माफी मांगता हूँ कोई गलती हो जाए मेरे से किसी समय की, कभी ऊपर नीचे टाइम टाइम की या ऐसे थोड़ी बहुत ऊंच-नीच हो सकती है, उसके लिए महाराज मुझे माफी करें माफी दें। तो ऐसे जाना शुरू हो गया संगत जी वहां पर, और कोई दिमाग में तो था नहीं कि महाराज से मुझे ये चाहिए या मुझे ये मांगना है, क्योंकि उस निश्चय से मैं गए नहीं था उनके पास, वो तो उसने कहा कि चलो वहां चलो, ये क्या मैंने कहा चल पड़ते हैं। दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे वहां जाकर के मेरा कोई कल्याण हो जाएगा या मुझे वहां सब कुछ मिलता है, सब कुछ भी नहीं था, वो यही बताया था कि वहां लंगर मिलता है, प्रसाद मिलता है, महाराज बैठते हैं, दर्शन और शब्द चलते हैं, इसके अलावा इसने कुछ नहीं बताया, और शायद इसको भी नहीं कुछ पता होगा कि मेरे ऑफिस में काम करता है, ज्यादा कभी इसने चर्चा किया नहीं चीजों के बारे में। तो आखिर तक संगत जी गुरु महाराज चोले में रहे, हमने गुरु महाराज से कभी कुछ कहा ही नहीं कि हाँ गुरु जी हमारी ऐसी ऐसी कुछ समस्या है,
और गुरु जी तो एकदम पढ़ लेते थे, उनको तो पता था कि हाँ कौन कौन किस समस्या है जूझ रहा था, किसी को तो पहले दिन ही बुला करके उसका कल्याण चालू कर देते थे। लेकिन जहाँ जैसी समस्या हो, जैसे कर्म हो, उसी हिसाब से महाराज के कल्याण करने का तरीका होता था। उन्होंने हमसे नहीं कुछ भी कोई बातचीत नहीं करी, लेकिन बात भले ना करी हो, लेकिन उनका हमने अगस्त 2004 में अपने मकान में कंस्ट्रक्शन चालू करी अपने मकान के अंदर, और महाराज का कल्याण करना शुरू हो गया। अब देखो बात नहीं हमारी हो रही, पर महाराज ने आकर के अपना जो भी काम था वो चालू कर दिया। मैं कहूंगा जो हमारे कल्याण करने का कंस्ट्रक्शन हमारे घर में चल रही थी, वहीं हम रह रहे थे, वहीं इसको एक्सटेंड करा रहे थे। तो मेरी आंटी को महाराज दिखते हैं, हमारे घर में शटरिंग लगी हुई थी उस टाइम। ये महाराज का उस शटरिंग के अंदर मंजा बिछा हुआ है और चार खाने का कंबल ओढ़े हुए महाराज बैठे हैं और लेबर को उंगलियों से डायरेक्ट कर रहे हैं, जैसे हाथ करके इशारे से कहते हैं कर्तव्य दे जाने के लिए। पर मेरी आंटी कहती है कि हमने तो महाराज कोई ऐसे चार खाने के कंबल में कभी देखा ही नहीं, उसको बिलीव ही नहीं हुआ कि ये महाराज बैठे हैं, पर लगा कि हाँ शक्ल तो महाराज की है। तो लेकिन उसका जिक्र घर में नहीं किया उन्होंने बिल्कुल भी। और उसके बाद ये बात गई आई हुई, लेकिन महाराज ने ब्लेस्ड कर दिया। और फिर करीबन 2008 या 9 में एक महाराज की एल्बम बटी जो रघुराय अंकल ने बांटी थी, और जो अपने काफी गुरु जी क्लोज रहे, इंटरनेशनल लेवल के फोटोग्राफर हैं, उन्होंने महाराज के ऊपर एक एल्बम बांटी जो कि हमें भाटिया आंटी के यहाँ से मिली थी, उषा भाटिया आंटी यहाँ से गलेरिया में। और उस वो जो एल्बम हमने पढ़नी शुरू करी, उसमें एक फोटो देखी, तो उस फोटो के अंदर महाराज का वही फोटो था जिसमें महाराज मंजे बैठे हैं, चार खाने का कंबल ओढ़े हुए है। और तब मेरी आंटी बोली इनको ये तो मैंने उस वक्त देखा था जब हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। देन शी इंक्वायर्ड फ्रॉम सम अदर आंटी कैसे से ये गुरु जी हैं, तो उनका हाँ गुरु जी बैठा करते थे मंजे के ऊपर चार खाने का कंबल ओढ़ करके, जहाँ गुरु जी पाठ करते थे कुटिया है वहां बैठा करते थे गुरु जी। तो यानी कहने का भाव ये है कि बात भले ही ना करी हो, लेकिन महाराज ने अपना कल्याण हमारा करना शुरू कर दिया। पता नहीं मकान में क्या कमियां थी, और तब से मैं सोचता हूँ कि हमारा मकान पूरी तरीके से ब्लेस्ड है, क्योंकि शुरुआत ही उन्होंने ऐसे करा दी ब्लेस करके। जहाँ महाराज के चरण पड़ गए, चाहे वो सपना हो, सपना महाराज का कोई सपना नहीं होता, वो वास्तविकता होती है, और महाराज के चरण यहाँ पड़ गए, मैं अपने घर को पूरी तरीके से ब्लेस समझता हूँ और महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ उस वक्त आशीर्वाद देने के लिए और आज तक आशीर्वाद देने के लिए। संगीत जब आना शुरू हुआ महाराज के पास, तो मेरे बेटे को भी बहुत ज्यादा समस्या थी, ऑफिस के अंदर थोड़ी नहीं काफी ज्यादा समस्या थी। इनफैक्ट ऑफिस में काफी तंग करे, बॉस भी तंग करता था, कुलीग भी तंग करते थे। मेरा बेटा चाहे कहता था कि भी पापा जी मैं ये कंपनी बदल लेता हूँ, तो मैं मना करता था कि भी दो एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करनी पड़ेंगी और मुश्किल होता है दूसरी एक दोबारा अरेंज करनी, तो ये किसी रुक गया। लेकिन जब महाराज के पास जाना शुरू किया, संगत जी आप विश्वास कीजिए एक महीने के अंदर ही अंदर, एक सवा महीने के अंदर तो सारी इसकी ऑब्स्टेकल छट गई, सारी ऑब्स्टेकल छट गई। जो भी तंग करता था वो इधर उधर हो गया, जो बॉस इसको मतलब इसके बारे में कुछ बोलता था उसने इसका फेवर करना शुरू कर दिया, यहाँ तक फेवर किया कि इसका फॉरेन ट्रिप बना दिया। और एक सवा महीने में ऐसा कैसे किसी का मन बदल सकता है? इट इज प्योरली गुरु महाराज एंड ओनली गुरु महाराज। उन्होंने इसका यूएसए का ट्रिप बना दिया, बनवा दिया और ये वहां गया। जाने के बाद महीने भर के बाद वहां से वापिस आया। वापिस आने के बाद एक इसके साथ ही जो एक आदमी इसका कुलीग था मेरे बेटे का, वो भी ऑफिस में, वो भी गुरु जी के पास जाया करता था, वो उनका इसको मिला तो वो भी सब कुछ देखा करता था कि ऑफिस में क्या प्रॉब्लम चल रही है इसके साथ। तो यूएसए से आने के बाद इसको वो उसकी जेब में एक फोटो थी, महाराज का स्वरूप था छोटा सा और बहुत ही बढ़िया स्वरूप है, दोनों हाथों से महाराज कुर्सी बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं बहुत प्यारा लगता स्वरूप, स्वरूप तो सारे बहुत अच्छे हैं महाराज के। और वो स्वरूप इसने अपनी जेब में रखा और वो आज तक इसकी जेब में है। और उसके बाद का मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे महाराज के स्वरूप ने उसे बचाया, क्योंकि महाराज के स्वरूप स्वरूप नहीं होते, वो साक्षात महाराज ही होते हैं। जैसे बताया तो ये करीबन धनतेरस का दिन था 2005 की बात है, मेरे बेटे को वहाँ महाराज ने बचाया,
कांड से, वो धनतेरस का दिन था और ये का, हाँ ये जो फॉरेन से बंदे आए थे इनको घुमाने का काम इनकी कंपनी ने किया कि भाई इन्होंने तुम्हें सिखाया और आप इनको जा करके थोड़ा घुमाओ दिल्ली। दिल्ली जाने से पहले इसने मम्मी से पूछा अपने कि मम्मी मैं सरोज नगर जा रहा हूँ तो आपने कुछ मंगवाना है, मना कर दिया कि कुछ नहीं चाहिए वहां से। और दिन में हमने उस दिन टीवी खोल लिया और टीवी खोलते न्यूज आई कि सदर बाजार के अंदर बम ब्लास्ट हो गया, काफी कैजुअलिटी हो गई। हमें बहुत धक्का लगा क्योंकि वास्तव में धक्के वाली बात भी थी, 17-18 कैजुअलिटी हो गई थी। फिर ध्यान एकदम बेटे की तरफ गया और पता ध्यान लगा कि सरोजी नगर में, कोई बात नहीं। अभी हम ऐसा सोच ही रहे थे कि एकदम न्यूज आई कि सरोजी नगर में बम कांड हो गया, तो समझे ये आप अंदाजा लगा सकते थे उस टाइम हमारा क्या हाल हो रहा था दोनों का। हम दोनों बैठे थे उस टाइम हस्बैंड वाइफ, तो उस वक्त हमने काफी वो अपना उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, कांटेक्ट नहीं कर पाए इस बच्चे को। वहां पर हुआ क्या, ये वहां एक दुकान के ऊपर उस फॉरनर के साथ एयरबैग ले रहा था और एयरबैग उस फॉरनर को पसंद नहीं आ रहा था। उसने कहा कि भी ये जो है ना, दुकानदार ने बोला कि मैं अंदर स्टोर से मंगवा दूंगा गोदाम से, तब तक आप कहीं और घूम लो। और उसको पैसे अभी उससे लेने थे आकर के, कहते 10-15 मिनट घूम लो, मैं अभी मंगवाया था। संजय जी शायद इसको 10 ही मिनट हुए होंगे वहां से निकले हुए और धीरे धीरे चलते हुए एकदम वो दुकान जिसके अंदर ये खड़े खड़े वहां बैग खरीद रहे थे, वहां मतलब भयानक बम ब्लास्ट हुआ। उस दुकान के अंदर कुछ भी नहीं बचा, आदमी बचने का मतलब देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन दैट शॉप, सोने की दुकान थी। और जो उसके साथ लेडी थी वो बोले कि तो बम ब्लास्ट है, उसको पता हो, उसको कुछ एक्सपीरियंस होगा। और उसके बाद जो ना बड़ा हमने बहुत कोशिश करी कि किसी के से बात हो जाए, बात नहीं हो पाई क्योंकि नेटवर्क सारा जाम हो गया था। और फिर वहां से महाराज ने बचाया और हम ये घर आ गए। और उसी बम कांड के अंदर संगत जी आप विश्वास कीजिए, मेरे छोटे बेटे की कुलेक वहीं कहीं आसपास होगी पर वो उसकी चपेट में आ गई। देखो महाराज क्या क्या दिखाती है, बड़े बेटे को वहां बचा लिया, छोटे बेटे की कुलेक उसकी चपेट में आ गई बम कांड की। और वो 2-3 दिन तक ऑफिस नहीं पहुंची और ऑफिस पहुंच उसके बॉस ने, मेरे छोटे बेटे के बॉस ने कहा कि ढूंढो, उसकी लास्ट कॉल सरोजी नगर से थी और उसके बाद वो आई भी नहीं। तो फिर मेरा बेटा छोटे वाला को ढूंढने के लिए निकला और मैंने कहा नहीं तुम अकेले नहीं जाओगे, बात ही ऐसी कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो हम हॉस्पिटलों में घूमने गए तो जो सफदरजंग हॉस्पिटल जो है वहां वो उसकी बॉडी हम आइडेंटिफाई कर पाए। और यानी कि वो सारा काम जो उसके लिए किया बेटे के लिए भी करना पड़ सकता था, दिस इज व्हाट गुरुजी ने हमें दिखाया। और उसकी सारी क्रीमेशन के अंदर, उसके हर काम के अंदर मेरा छोटा बेटा इन्वॉल्व हुआ। और ये महाराज ने दिखा दिया कि दिस ऑल वुड हैव हैपेंड टू यू आल्सो। और उसके बाद हम गुरु महाराज के संडे को गए, उस टाइम ये भी पता, संडे की बहुत सच बोल रहा हूँ कि शुक्राना भी कोई चीज होती है, शुक्राना भी हमें करना चाहिए। हम एज यूजुअल महाराज के पास गए जैसे संडे को जाते थे, लेकिन गुरु जी ने जाते एहसास करा दिया कि लुक आया से भी मेरे बेटे को इस तरीके से देखा कि वो स्टन रह गया कि जैसे महाराज कह रहे हो कि मैंने तुम्हें बचाया है। और वहां फिर बैठ के एहसास कराया गुरु जी ने कि आया से भी। और उसके बहुत दिनों के बाद संगत जी वो आदमी, वो लड़का जिसने फोटोएं दी थी, उसके फादर साहब बड़े मंदिर में मिल गए करीबन 4-5 साल के बाद बड़े मंदिर मिल गए। तो फिर उसी फोटो का जिक्र हुआ जो जिस फोटो पे आते मतलब महात्मा सरोजी नगर में बचा था। और जिक्र हुआ तो तब उसके लड़के के पिताजी ने बोला कि ये गुरु महाराज ने हमें 3 फोटोएं दी थी मुझे, और 3 फोटोएं देखा थे इन्होंने बंद दी अपने कोल न रखी, तो उसमें से कहते एक फोटो आपके पास आ गई होगी, मेरे बेटे ने दे दी होगी। तो संगत जी गुरु महाराज तो त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी, सब कुछ पता है इनको, आगे भी जाने वाले किसके साथ क्या होना है, कौन मेरी शरण में आना और उसके साथ क्या होगा आने वाले टाइम में, इनको सब कुछ पता होता है। उस टाइम भोले भाले ऐसे दिखते थे सामने के अंदर, साधारण आदमी बैठे थे, महान महात्मा बैठे हैं, लेकिन वो क्या बैठे थे ये तो अब अंदाजा लगता है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति हमारे सामने बैठी होती थी।
तो एनीवे महाराज ने बचाया उस फोटो के माध्यम से और हमें ब्लेस किया मेरे बेटे को। और फिर उसके बाद सत्संग संग जी कल्याण का कल्याण हमारे चालू हो गए। एक 2007 की बात के ये एक सत्संग सॉरी एक कैलेंडर हमें मिला था और उस कैलेंडर के अंदर 8x12 का एक फोटो था महाराज का स्वरूप, उसके ऊपर लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। और क्योंकि समस्या उन दिनों वास्तव में बहुत ज्यादा थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो उस कैलेंडर को अलग के उससे पहले एक छोटा सा स्वरूप महाराज का मिला था एम्पायर स्टेट से, मतलब उन दिनों 2.5 इंच के स्वरूप मिलते थे और पॉकेट में रखे जाते थे, वो था हमारे पास। तो मेरे पास था वो, महाराज की कृपा से मिल गया था। तो ये जो कैलेंडर मिला, जबकि इसकी बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसको रोल करके अपनी गोदरेज की अलमारी में रख दिया। ये समस्याएं और हो जाती दिमाग के अंदर, ठीक है जब टाइम मिलेगा फ्रेम करके लगवा लेंगे। और फिर समय बीतता रहा, कुछ दिनों के बाद जो है मैंने वो, इट वॉज समवेयर 28 मई और सो, 31 मई को महाराज ने चोला छोड़ दिया और 27-28 मई की बात है, बात हो गई मुझे डेट याद नहीं। वो कैलेंडर जो है मैंने फ्रेम करके जो अपनी दीवार पे लगा दिया। तो संगत जी वो कैलेंडर लगाने के फ्रेम महाराज का स्वरूप लगाने की देर थी और मुझे घर में इतने परिवर्तन हुए, ये मेरे दिमाग में बैठ गया कि महाराज इस फोटो के माध्यम से मेरा पूरा घर सुपरवाइज कर रहे हैं। हर वो आदमी जो ट्रबल क्रिएट कर रहा था वो जा रहा है, एक 24x7 का 24 घंटे का हेल्पर था, उसको कभी हिम्मत नहीं होती थी निकालने की, मैंने एकदम बोले निकालने के लिए। एक बहुत ट्रबल क्रिएटर दूसरा था, वो अपने आप छोड़ के जा रहा, मेरे घर में शांति होने शुरू हो गई और मैं बड़ा हैरान हुआ। और दिमाग में ऐसा बैठ गया कि बस गुरु महाराज इस फोटो के माध्यम से ही मेरा सारा घर को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। और ये वो फोटो महाराज गुरु महाराज की संगजिया विश्वास करना, ये 2007 की बात है और आज 2022 हो गया, वो वही लगी हुई है फोटो, मैंने उसको वहां से आज तक हिलाया नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि महाराज यहाँ बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हैं। और फिर उसको क्योंकि उस फोटो का बहुत काफी दिमाग में सिग्निफिकेंस बैठ गया था मेरे, तो एक बार किसी के यहाँ सत्संग में गए हम और वहां जाके देखा तो काफी बड़ा उनका घर था, उसके अंदर बड़ी बड़ी फोटो वहां महाराज के स्वरूप लगे हुए थे, लेकिन ये फोटो जो हमारे यहाँ था जिसमें बात कर रहा हूँ ये उनके मंदिर के सेंटर में लगा हुआ था। मेरे जवान में ये बैठ गए, उनका सारे फोटो इधर उधर है महाराज के, पर ये खास तौर पर सेंटर में बैठा लगा रखा है फोटो आंटी ने। और मैं सोचा पूछूंगा जरूर इनसे। तो 2-3 दिन के बाद उनका दिन हमारा दिन एक ही होता था बड़े मंदिर में जाने का, सैटरडे का, और वो आंटी मुझे मिल गई बड़े मंदिर के अंदर। मैंने कहा आंटी मुझे एक बात बताओ कि आपके यहाँ स्वरूप सारे सारे इधर उधर लगे हुए हैं अच्छे अच्छे महाराज के बड़े बड़े, लेकिन वो छोटा सा स्वरूप है जिसपे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है वो अपने मंदिर के सेंटर में लगाया हुआ है अपने पूजा वाले मंदिर में, उसका क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? तो उस आंटी के मुंह से एकदम निकला संगत जी के अंकल उस फोटो के बारे में आप ना पूछे। मैंने कहा मेरे दिमाग में कुछ है, कुछ मैंने महसूस किया तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहते हैं कि हमें ये कैलेंडर मिला था और मिलते ही हमने इसको अपनी अलमारियां बंद कर दिया था और अलमारियां बंद करके हम भूल गए और एक दिन परेशानी बहुत ज्यादा थी हमें। और एक दिन एम्पायर स्टेट में बैठे तो गुरु जी कहते हैं कि वो जो कैलेंडर अलमारी से बंद करके रखा है ना बाहर कट के ला। तो कहते हैं जैसे कुछ सोता हुआ आदमी जागता है, हम वैसे जागे और घर गए, फोटो को निकाला कैलेंडर से रूप को निकाला और फ्रेम करा के लगाया। और आंटी बोलती है कि अंकल जैसे वो कैलेंडर स्वरूप लगाया हमें दीवार के ऊपर, देर वॉज मेनी मेनी पॉजिटिव चेंजेस इन अवर हाउस। तो इसलिए कुछ दिमाग में याद आया तो हमने वो मंदिर के सेंटर में लगा रखी फोटो महाराज की। बस मैंने कहा आंटी मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था कि समथिंग इस तरीके से मेरा कहने का अगेन वही आया था, क्योंकि जहाँ महाराज है वहां तो जहाँ महाराज का स्वरूप है वहां तो है ही, लेकिन खास तौर पे कुछ चीजें ऐसे कुछ कैलेंडर इसके हैं जो महाराज को पता है कि फलां जगह जाएंगे और वो इस समस्या में होगा, उसका ऐसे समाधान हो।
कि इस तरीके से होगा। तो जहां जहां भी मेरा अपना मानना है विचार है कि जहां जहां भी उत्कंड गया होगा महाराज ने उनका कल्याण ही किया होगा, और मतलब कैलेंडर के माध्यम से हमारा फोटो के माध्यम से जैसे मैंने पहले बताया बहुत ज्यादा हमारे कल्याण हो गए। संग जो हमारे जब हम गुरु जी के पास जाना शुरू करते हैं ना तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि जो भी हमारे जानकार हैं जो भी रिश्तेदार हैं उनको भी अगर इस द्वार से लगाएं इस शरण से लगाएं तो अच्छा होगा, और खासतौर पर वो आदमी जो किसी किसी ट्रबल में है किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसको तो हमारा पहला मन करता है कि गुरु जी के दर का रास्ता दिखाओ। तो इस तरीके से ना एक वो क्या नाम ये मैं बताता हूँ, एक मेरा फ्रेंड है, मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ एक्स मिलिट्री पर्सन हूँ, तो फ्रेंड है वो क्रॉनिक बैचलर है, ही डिडंट मैरी, वो उम्र इस टाइम उनकी दो साल में से एक साल बड़े हैं 78 ईयर उनकी एज है। तो मैं नॉर्मली उनको फोन ऑफनली फोन करता रहता हूँ जस्ट टू इंक्वायर अबाउट हिज वेलबींग, हाल चाल पूछ लेता हूँ क्योंकि अकेले रहते हैं कि भाई हाल चाल क्या है। तो एक दिन मैंने फोन किया तो मैं कुमार साहब क्या हाल चाल है आपके कैसे हैं आप ठीक हो, तो कहते हैं कि हाँ भाई ठीक हूँ। तो लेकिन ही रिप्लाइड इन ए वेरी ग्लूमी वॉइस, मैंने कहा ठीक तो हो पर आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही मुझे, कहते हैं कि बस ऐसा ही है। मैंने कहा क्या बात है, कहते हैं कि बस ऐसा है कि मैं बेस हॉस्पिटल के अंदर जो ना जो डॉक्टर है उन्होंने प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर डिक्लेयर कर दिया। तो संजय जी मुझे बहुत धक्का लगा बिकॉज आई हैव एसोसिएशन विद दिस पर्सन सिंस 1967, सन 67 से मेरी दोस्ती है इस आदमी से। तो मैंने कहा कोई धक्का तो लगा बहुत जबरदस्त, फिर मैंने कहा चलो फिर क्यों बात घबरा क्यों रहे हो आप, आजकल तो बड़ा मॉडर्न एज है हर किस्म के इलाज चल रहे हैं आप क्यों परेशान हो, 70 इलाज चलते हैं आप बिल्कुल परेशान ना हो, इलाज कोई ना कोई निकल जाएगा। तो बस ये बात हुई पर दिमाग में बड़ा धक्का सा लगा। तो इस आदमी ने पर इसको मैं कई बार महाराज के मंदिर ले गया, बड़े मंदिर कई बार ले गया, फिर बाद में ये अकेले भी जाना शुरू कर दिया। तो ये बोलते हैं मुझे कि जोशी भाई आप गुरु जी से अरदास करो ना मुझे ठीक करवाने की। मैंने कहा गुरु जी के मंदिर में तो आप भी गए हो जैसे मेरे गुरु जी वैसे आपके, ये तो वन टू वन कॉन्टेक्ट है, आप खुद महाराज से करो, मैं तो जरूर करूंगा क्यों नहीं। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो बस ये बात हुई, करी होगी सर्टनली होगी क्योंकि जब आदमी मुसीबत में होता तो और भी ज्यादा करता है। तो उसके बाद ये एक के बाद एक इसने सारी जो भी हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह कोई पीछा तो मतलब छोड़ता नहीं, इसने एक के बाद एक जाना शुरू करा, हर जगह यही जवाब मिला भाई ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद जो भी कीमो वगैरह होती है वो होंगी। और फिर फाइनली जो है ना एक कहीं से अप्रोच जो आकर ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर इसने अपॉइंटमेंट मिल गई और वहां चला गया ये अपनी केस फाइल लेकर के। और वहां पर तो सारे टेस्ट अपने अलग से होते हैं, उन्होंने एक के बाद एक अपने इनके टेस्ट अलग से करने शुरू कर दिए। और करने के बाद एक बारी सवेरे सवेरे मेरे पास फोन आता है इसका कुछ दिन के बाद, दो तीन दिन के बाद, कहते हैं कि जोशी भाई, मैंने कहा क्या बात है कुमार साहब, कहते हैं गुरु जी ने मुझे फांसी के फंदे से उतार दिया। और दिस वाज इज एग्जैक्ट वर्डिंग, मैंने कहा क्यों क्या बात हो गई, कहते ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर मेरे सारे टेस्ट हुए हैं और उन्होंने क्लियर कट चिट दी है मुझे कि मेरी बॉडी के अंदर कैंसर का नामो निशान नहीं है। तो संग जी ये है मेरे महाराज की, हमारे गुरु जी की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद। एक तो हॉस्पिटल कह रहा है कि तुम्हें पॉजिटिव ग्लैंड का कैंसर है और मेरे महाराज की कृपा से गुरु जी की कृपा से कोई नामो निशान नहीं रहा, केवल केवल श्रद्धा आस्था और उनके विश्वास के ऊपर महाराज ने ठीक किया। अनंतम शुक्राना महाराज का मैं करता हूँ उसके लिए क्योंकि वो वास्तव में मेरा काफी पुराना दोस्त है, बहुत बहुत ज्यादा शुक्राना करता हूँ। और इसी तरीके से एक मेरे छोटे बेटे की ना कुलीग है, अब तो खैर वो बहुत लंबा समय हो गया मैं बिछड़े हुए, शी इज मोहम्मदन बाई कास्ट और इकल्ले एक जहाँ काम करते थे, ये बड़ी पुरानी बातें हैं, ये करीबन 2009 की हो सकती है या सॉरी उससे पहले की 8 की होगी। तो ये उस कुली को उसकी उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसकी मदर उसको बहुत मारती थी और घर का काम भी वो पूरा करती थी
इंटेलिजेंट बहुत थी, पढ़ी लिखी बहुत थी, श्री रैमसियर और इसके साथ काम करते ही बैठे था। पर अब एक दिन जिससे कोई आदमी खुल जाता रात में दोस्ती होती, तो उसने मेरे बेटे से बात करी कि इसी तरीके से मुझे घर के अंदर हर रोज बिना नागा मार पड़ते सवेरे उठते ही और मेरे मुंह ही मुंह पे मारते हैं और कहीं मुझे पीटते भी नहीं है, सारा जो है छोटे मुंह पे पहुंच जाते हैं। और मतलब मैं बहुत परेशानी हूँ, मुझे पता नहीं लगता कि मैं क्या तो करूँ क्या ना करूँ। तो और तो उसके माँ के बाद फिर बाद में भाई बहन भी चालू आया, तो इसने मेरे बेटे ने मेरे से बात करी। मैंने कहा बेटे ऐसा किसी घर के अंदर तो इतना इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं, गुरु महाराज के मंदिर में लेके जा सकते हैं उसको। तो लेकिन क्योंकि वो मॉन्डन है भाई का, उनके परमिट ना करें पेरेंट्स, और करना भी नहीं था वो मुझे पता है। तो फिर हमने सोचा कि इसको हमारे पास वो उन दिनों लाइट ऑफ डिविनिटी की बुक्स आराम से मिल जाती थी, वो दी और एक महाराज का फ्रेम लगभग 1 फुट की ऊंचाई का, उसको फ्रेम करा के ये दिया। और बेटे ने कहा कि ऐसा करा कर तू ये ना ये सत्संग पढ़ इस बुक के अंदर और ये पाठ कर महाराज का, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदाशिव, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशिव, तेरा कल्याण इससे हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो उसने वही किया और लगभग 1 महीने के बाद संजय जी उस लड़की का फोन आता है मेरे बेटे के पास, कहते मनीष रात मैंने एक सपना देखा। तो कहते क्या देखा? कहते मुझे मैंने देखा कि मेरी जो मदर है एक कुर्सी के ऊपर जकड़े जमीन तो बंधी हुई बैठी, उसके दोनों हाथ साइड आर्म से बंधे हुए हैं और दोनों लेग वो नीचे टांगों से बंधी हुई कुर्सी की वो जुड़े हुए हैं। और तभी एक आदमी आता है जो कि टी शर्ट और जींस में होता है, उसके सिर पर बाल नहीं है और स्पोर्ट्स शू पहने हुए हैं, उसके हाथ में छुरी है और वो एक एक करके मेरी माँ के जो बंधे हुए बंधन है वो उसने काट दिए। और इसी तरीके से वो सपना है। अब संत जी ये जो महाराज के ड्रेस थी, ये महाराज जब सिंहासन में बैठने से पहले कभी कभी ना किचन के बाहर पेंट्री पे कपबोर्ड पे बैठा करते थे, पेंट्री से बाहर कपबोर्ड पे बैठा करते थे, और समय से पहले अगर हम कहीं पहुंच जाते थे वहां महाराज के दर्शन इस ड्रेस में हो जाते थे। और इस लड़की को तो पता भी नहीं, सवाल भी नहीं पैदा होता क्योंकि तो कोई देखा ही नहीं संत गुरु जी को। तो उस रूप में महाराज दर्शन दिए। और इसकी माँ जो कि जिसको हम अब तो खैर हम तो सब कुछ मानते हैं कि सब कुछ दुनिया में चलता है, किसी ने कोई जादू टोना कर रखा होगा, और महाराज ने अपने सत्संग में कई बार बताया चूठी आंटी को काला जादू किया उसका अपने टकने पे ले गया था महाराज ने काट करके। तो मतलब ये चीजें सब चलती हैं, महाराज ने उसकी मदर के बंधन काटे और उसके कुछ ही दिनों के बाद उसके घर के अंदर सिचुएशन नॉर्मल होती चली गई। और उसके बाद शी लेड ए वेरी हैप्पी लाइफ, और बाद में फिर शादी भी हुई, शादी होने के बाद Now I heard that she settled abroad very happily. इस तरीके से मतलब महाराज जो मतलब हमारा नहीं, हमारे जानकारों का दोस्तों का सबका महाराज कल्याण करते हैं और सबको लाभ मिलता है, किसी के भी मतलब साथ में मतलब कंपनी का मैं कहूंगा गुरु महाराज कृपा चारों तरफ बरसती है। एक बार आप उनकी शरण में आ जाओ तो, या किसी को भी आप उनकी शरण में ले जाओ और ले जाओ क्या वो भी महाराज ही बुलाते हैं। इस तरीके से महाराज की दीवान निगाह में कोई ये नहीं कि भाई कुछ मुसलमान है मोहम्मदन है या हिंदू है, उनके लिए दे नो कास्ट एंड क्रीड, जो आया उसकी समस्या का हल महाराज ने किया। और इस तरीके से ना ये तो जैसे हमारे क्या नाम कुछ हाँ पिछले दिनों के अंदर जो अभी कोविड के दौरान संगत जी मेरी आंटी को वैसे तो गुरु महाराज ने 2-3 बार लाइफ बख्शी है। तो कोविड के दौरान जब कोई भी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता था सॉरी, तो मेरी मतलब 2019 की एंड की बात है, डॉक्टर ने कहा भी तुम्हारे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है इसको आप इन्वेस्टिगेट करा लो, एंजियोग्राफी करा लो, तो आंटी ने मना कर दिया। और ये 2020 मई की बात है कि इनको जो प्रॉब्लम तो होनी थी जो डॉक्टर बोल रहे थे, मैं काफी ब्रीफ में बताऊंगा सत्संग, तो 2020 के अंदर मई के 14 मई की बात है, रात को 2 बजे करीबन इनका सांस बिल्कुल रुक गया।
सांस मतलब आना ही बंद हो गया, घर में ही ऐसी हालत हो गई और इन्होंने जगाया मुझे कि हॉस्पिटल चलना है। और उससे पहले क्योंकि कोविड था तो जाना चाहते नहीं थे, क्योंकि थोड़ी बहुत समस्या जो होती हुई बताई नहीं इन्होंने। जब बिल्कुल एग्रावेट हो गई क्वेश्चन और सांस आना ही बंद हो गए तो रात को 2 बजे इन्होंने जगाया और हम करीबन 3 बजे फिर वहां पहुंचे, क्योंकि 2 से 3 उन्होंने घर में बजा दिए ये सोच करके मैं नहीं जाऊंगी, शायद यही ठीक हो जाऊंगी, यही ठीक हो जाऊंगी। जब बिल्कुल ही आना बंद हो गया सांस तब ये तब हम घर से बाहर निकले और पोजिशन ये हो गई कि हॉस्पिटल पकड़ना मुश्किल हो गया। एक रेड क्रॉसिंग रेड लाइट की क्रॉसिंग थी, वहां से आर्टमिस हॉस्पिटल तो करीबन 4-5 मीटर के मिनट के रास्ते पे था और पारस हॉस्पिटल 1 मिनट के रास्ते पे था और हम आठवीं जाना चाहते थे। अब सांस इतना भी नहीं था आंटी का कि हम आठवीं चले जाए, हमें पता कि अगर उधर चल दिए तो शी वुड बी नो मोर। और फिर हमने पारस का रास्ता लिया। हाँ, इस सत्संग से इस सत्संग में जो अगेन मैंने बताया कि हमारा जो कल्याण मैक्सिमम फोटो से हुए हैं, महाराज के फोटो से हुए हैं, तो 2000 जनवरी की बात है 20 के अंदर मेरा बेटा रात को निकल रहा था बड़े मंदिर से सेवा करके और बाहर एक आंटी उनको मिली थी, वो बहुत मायूस खड़ी थी। वो बेटे ने पूछा कि भैया आप क्यों मायूस क्यों आंटी, तो कहते हैं कि अंकल मैं बहुत देर से फोटो मांगना पाना चाह रही हूँ पर मुझे मिल नहीं रही, दे नहीं रहे को अरेंज नहीं हो रही समझ लीजिए, और गुरु महाराज की फोटो मिल जाए, मेरे हस्बैंड की अंकल की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो आईसीयू में है, उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। तो पहली बात तो उस आंटी का विश्वास देख लीजिए कि वो उसके दिमाग में पक्का बैठा था कि महाराज का स्वरूप मिल जाएगा तो मेरे अंकल ठीक हो जाएंगे। एनीवे महाराज ने किसका कल्याण किससे करवाना है और आगे किससे किसका होना है उससे मेरा बेटा अंदर गया और अंदर जाते उसको 2 फोटो मिल गए। एक तो उसने उस आंटी को दे दी और दूसरी अपने पास रख ली, हालांकि फोटो ऑलरेडी इसके पास थी जो उसके दोस्त ने दी थी, पर वो फोटो इसकी जेब में ही रही। वो फोटो संगत जी अब काम आई जब मेरी जो आंटी है हॉस्पिटल में पारस हॉस्पिटल गई और वहां तो इसको सांस आना ही बंद हो गया, तो उसने कहा कि मैं मरी और मुझे कोई दवाई दे दो, पर उस टाइम दवाई ये भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। जाते उन्होंने हर किस्म की कोशिश करी हॉस्पिटल के अंदर कि मास्क लगाने की, शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ टेक इनहेल ऑक्सीजन, तो उन्होंने एकदम डिसीजन ले लिया कि शी टू पुट ऑन ई टू पुट ऑन वेंटिलेटर, पर हमें बोल दिया कि भी इसको इनकी जान को खतरा है और वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। तो 10-12 मिनट के अंदर इनको वेंटिलेटर पे डाल दिया और वहां का जो बताना चाह रहा हूं मैं कि ऐसे लगा हमें पारस हॉस्पिटल में कि हर आदमी जैसे इनकी वेट कर रहा हो, और 10-12 मिनट के अंदर ऐसे वेंटिलेटर पे नहीं रहता, खासतौर पे कोविड के दिनों के अंदर जब वेंटिलेटर स्पेयरिंग हुआ करता था। तो महाराज की कृपा से वेंटिलेटर मिल गया, हर आदमी ने इनको इतना अच्छी तरीके से अटेंड किया, हर नर्स ने, मैं जितना शुक्राना करूं महाराज का, क्योंकि हमारा हर काम महाराज की कृपा से और महाराज की डायरेक्शन से ही होता है और आगे से आगे हमारा अरेंजमेंट करके रखते हैं महाराज। उस वक्त मेरे बेटे ने वो फोटो निकाल करके उनको नर्सेज को दी कि ठीक है आप वेंटिलेटर पे जहां भी इनको रखो ये फोटो उनके सामने रख देना, और करीबन 52 घंटे ये वेंटिलेटर पर रहिए वहां पर। और उसी इनका जो लंग्स ना कम्प्लीटली चॉक्ड हो चुके थे, इन्फेक्टेड हो चुके थे, कहीं उन्हें कहीं था ही नहीं जगह जिससे सांस ले लें, तो वो उन्होंने क्लियर किया हुआ था डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे डालने के बाद। और उसी दौरान इनको ये क्या अपना एक स्टेंट भी डाल दिया हार्ट का, और उसमें क्या हुआ कि इनके हाथ पैर बांध दिए थे उन्होंने, हाथ पैर बांधते ही जब इनको थोड़ी सी होश आई नाम मात्र को तो इन्हें हाथ पर हिलाने शुरू किए वेंटिलेटर के ऊपर ही, तो हिले नहीं, तो इन्होंने सोचा कि मुझे अधरंग हो गया, और इनके एक फ्रेंड को भी अधरंग हो गया था, वो 2-3 महीने के अंदर वो मर गई थी। तो इनके दिमाग में यही आया कि भैया ठीक है मुझे भी अधरंग हो गया, शी इज वेरी बोल्ड, माई आंटी इज वेरी मच बोल्ड, तो वो मर गई थी, मैं ही मर जाऊंगी 2-3 महीने बाद, तो लेकिन मेरे पास इससे बढ़िया समय कोई नहीं होगा, आप इनके विचार देखिए कहते इससे बड़ा समय कोई नहीं होगा, मैं महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। तो इन्होंने वो मंत्र जाप करना शुरू किया जिसमें सब कुछ है। इस मंत्र जाप में संगत जी मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको भी सब कुछ पता है, इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, हर किस्म के कष्टों का निवारण इस मंत्र जाप से होता है।
और मेरी आंटी तो उस वक्त थे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यही कर रही थी, जैसा बताती है पूरा मंत्र जाप कर भी नहीं पा रही थी। और इसी के और ये इनका अखीर तक चलता रहा, ये 6 दिन रही वहां पर हॉस्पिटल के अंदर। और वो फोटो मेरे महाराज की जो मेरे बेटे ने लगाई थी सिरानवी जी, वो फोटो भी इनकी बेड टू बेड ट्रांसफर होती रही और ये सुनती रही उनके नर्सिस से जो ट्रांसफर करती है ये फोटो इनके बदल दो, और इनको ये इनके गुरु जी की फोटो है और ये चेंज ये लगा दो आप, यानी कि शी हैड बीन लिसनिंग ऑल दैट। और बाद में फोटो उनको अपना मिल गई जब वहां से डिस्चार्ज हुए, तो ऐसे महाराज ने इनकी ये रक्षा करी काफी ज्यादा आगे से आगे। और ऐसे ही इसी तरीके से जो मुझे कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, और मुझे भी अभी करीबन 2021 की दिसंबर में बहुत प्रॉब्लम हुई संगत जी, अचानक मेरी हार्ट में पल्पिटेशन कुछ अलग ही किस्म की हो गई जो कि इससे पहले कभी हुई ही नहीं। तो मैंने महसूस किया कि मेरे मैं चलता हूं तो मुझे हार्ट के अंदर पेन हो रही है और धड़कन मतलब अलग ही किस्म की हो गई, और ये 5-6 दिन रही और उसके बाद जो है ना बंद हो गई ऑटोमेटिकली। फिर मैंने बंद कैसे हुई, एक दिन रात को महाराज का मैंने बताया सपने में गुरु जी आए और गुरु जी ने हमें सबको काफी सारे बंदों को एक लाइन के अंदर उठा लिया, जैसे पंगत बैठती है हमारी लंगर करने के लिए बैठती है एक लाइन में, और सबको बिठा करके गुरु जी कहते हैं कि 60% ठीक कर देता। और उसके बाद फिर एक दूसरी पंगत में बिठाया, फिर महाराज ने कुछ बोला जो मेरे समझ में नहीं आया उस वक्त, लेकिन मैं जब सवेरे उठा तो मैंने कहा कि रात मेरा गुरु महाराज ने कुछ कर दिया है, कल्याण कर दिया और मैं ठीक हो जाऊंगा परमानेंट। तो ऐसा मेरा पूरा विश्वास था, क्योंकि जब ऐसे बोल दिया महाराज ने दर्शन लेके उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। तो उसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए प्रॉब्लम थी क्या वजह थी डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने सारी टेस्ट वेस्ट सब लिख दिए, वो सारे टेस्ट मेरे सब क्लियर आए, लेकिन उनके अंदर एक होल्टर टेस्ट दिखा जो कि 24 घंटे की ईसीजी होती है, और उस होल्टर टेस्ट के अंदर 5 कुछ सेंसर लगे थे मेरे साथ बॉडी चेस्ट के ऊपर। जिस रात वो टेस्ट क्योंकि 24 घंटे की थी, मैं सोना भी पढ़ना भी था, रात भी गुजारनी थी उसके साथ, लेकिन मेरी हालत उस दिन जिस रात वो टेस्ट होल्टर लगा हुआ था संजय जी में 10 बजे से हार्ट पेन चालू हुई और क्लियर कट हार्ट पेन, हार्ट के अंदर पेन हुई और हर 5 मिनट के बाद लहर आ जाए, एक लहर आए दूसरी जाए दूसरी आए तीसरी जाए, पूरी रात में 1 सेकंड तो बहुत बड़ी होती, मैं नहीं सोया दर्द हार्ट में पेन के कारण। और सारी रात में पहली बार इस तरीके से गुरु जी को पुकारता रहा कि क्योंकि इससे पहले महाराज ने कभी सच्चाई का मौका दिया नहीं, आगे से आगे मेरे अपने आप बिन मांगे से बोलते हैं, सबको जानते हैं बिन मांगे कल्याण करते हैं, तो अपने आप देते रहे, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उस रात मैंने इतना मांगा कि महाराज क्षमा लो, क्योंकि पहले भी था प्रॉब्लम, महाराज ने संभाली थी वो बिठा करके, मैंने कहा कोई ना कुछ प्रॉब्लम तो है मेरे साथ, तो मेरे गुरु जी संभालो। पूरी रात में और जब टेस्ट भी लगा होल्टर भी लगा तो सर्टनली कोई प्रॉब्लम तो है, और ऊपर से दर्द भी चालू हो गया। तो खैर दिन निकल गया, सवेरे 10 बजे हॉस्पिटल गया, तो ये टेस्ट वगैरह होल्टर निकाला, होल्टर मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन महाराज की कृपा से आया, महाराज की कृपा से। वो बताऊंगा क्यों अगेन महाराज ने दर्शन दिए, ऐसे नहीं आया, जो सारी रात पेन रही तो प्रॉब्लम थी, अगेन महाराज ने दर्शन दिए, महाराज टेंट के अंदर बैठे हैं और एक आदमी आप मेरे पास आता है कहते हैं कि गुरु जी बुला रहे हैं आपको, तो मैंने कहा मैं फटाफट दौड़ा दौड़ा गया, तो महाराज टेंट में बैठे थे, वो ट्रांसपेरेंट था वो कपड़ा जिसमें दिख रहे थे गुरु जी, तो सिंहासन पे अपने सिंहासन में गुरु जी ने इशारा किया हाथ से मेरे गुरु जी पानी चाहिए, तो मैं फिर उन्होंने अपना नॉड किया और फिर पानी लेने चला गया, आरओ डिपार्टमेंट में गया, वहां से पानी लेने गया और गिलास वगैरह साफ में तो करता रहा, इस दौरान मेरी नींद खुल गई। कहने का भाव ये है कि महाराज ने फिर दोबारा दर्शन दिए और मुझे ठीक किया, मेरे सारे टेस्ट ठीक आए महाराज की कृपा से, ऐसा नहीं कि मुझे कष्ट नहीं रहा, मुझे बहुत ज्यादा कष्ट था जो कि गुरु जी ने ठीक किया, और उसके बाद आई एम परफेक्टली ओके, नथिंग रॉन्ग विद मी, और ये सारा महाराज की कृपा से मैं उस रात बचा। और नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि ये बंदा एक के बाद एक लहर आ रही दर्द की। और इस तरीके से
मतलब महाराज ने मेरे पर काफी कृपा करी और बचाया मुझे। फिर जब हम ये हाँ एक बारी क्या समझ गए, हम घर से बाहर निकले, अचानक सबका ही कल्याण होता है। जब हम जाते तो हमारे पड़ोस में भी हमारी इच्छा होती है कि भी कोई सुन, जैसे हम पहले बताया कि और भी कोई चले हमारे साथ, तो अक्सर होता यही था कि किसी ना किसी को ले जाए, नहीं जाए तो नहीं, किसी की किस्मत होती है नहीं जाएगा। एक बार एक आंटी को लेके जाना था यहाँ से बड़े मंदिर, हम घर तैयार होकर के घर से बाहर निकल गए और उस आंटी की वेट करने लगे, लेकिन वो तो आंटी नहीं आई। और लेकिन मेरी किसी की आंटी की एक फ्रेंड सामने से चली आ रही, और देखो गुरु जी ने किसको, हम किसको लेके जाना चाह रहे थे और गया कौन हमारे साथ। तो वो आई, उसे बोले कहाँ किधर जा रहे हो, हमने कहा बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप चलोगे, तो मैं कहाँ चलती हूँ। और वो फटाफट, उनका घर हमसे करीबन 200 मीटर दूर होगा, गई और फटाफट तैयार होकर आ गई। हमें अभी हम सोच ही रहे थे कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा, विदिन 5-10 मिनट जैसे कि वो इंतजार ही कर रही हो, गई भी कपड़े बदले सब कुछ किया और हमारे साथ वो चल पड़ी। और जाने के बाद बड़े मंदिर में जाकर के वो थोड़ी बहुत, उन दिनों भीड़ नहीं होती थी, बहुत ज्यादा बहुत पुरानी बातें, भीड़ नहीं होती थी, और वहां जाके थोड़ी भिछड़ भी गई हमसे, लेकिन क्योंकि भीड़ नहीं होती थी हमें पता था कि जाते हुए मिल ही जाएंगे पार्किंग के अंदर। पर उस दौरान उसको मंदिर में कुछ सेवा करने का ही मौका मिल गया भक्तों की। और इसने जब ये वहां से हम वापिस निकले तो कहते हैं कि अपने आप ही बोलते हैं, कहते मैं तो आज भवन के अंदर बैठ के महाराज से कहा कि मेरे तीनों बच्चों को औलाद बख्श दो महाराज, क्योंकि दो बेटे बेटों की मैरिज हो, दो बच्चों की शादी हो चुकी थी, वे काफी अर्से से इशू नहीं थे, और एक बेटे की अभी भी हुई थी, उसको सिर्फ 6-7 महीने हुए थे, उससे कोई ज्यादा चक्कर नहीं था उनको, पर जिनकी नहीं हुई थी, जिनके सर जिनके इशू नहीं थे, उनके बारे में वो चिंतित थे। महाराज मैं तो महाराज के पास भवन में बैठ करके अपने बच्चों के औलाद मांगी है, तो वही बात है कि मांगना हो सकता बिना मांगे ही रहते अगर दिमाग में होता। एनीवे संग जी विश्वास के लिए ये तो उनसे दो दो बच्चों के लिए मांगी थी, क्योंकि तीनों बच्चों के बाद एक सीमित जो भी टाइम है सीमित, उस टाइम के अंदर अंदर उनको तीनों बच्चों के यहाँ इशू हुए। और ये है महाराज के दर पे जो हमें दाते मिलती हैं, हम किसको लेके जाना चाह रहे थे और हमारे साथ गया कौन, किसको महाराज ने ब्लेस करना था, ये सब आपके सामने है। और भगवान शिव इज वेरी हैप्पी जिनको ऐसे ब्लेसिंग मिलेगी। तो ऐसे ही मैं, अच्छा एक और सत्संग आपको सुनाता हूँ। एक बार इन्हें मेरा जो बड़ा बेटा जिसके बारे में पहले बता चुका, बॉम्ब कांड बचाया, कि आजकल तो संगत जी बहुत ही सत्संग होते रहते हैं, ये क्योंकि वर्चुअल में भी हो गया, पर जो ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब सत्संग बहुत कम होती थी, गुरु जी संगत चारों तरफ इतनी ज्यादा नहीं होती थी। बेटे को मेरा दूसरी बार मौका मिला बाहर जाने का, वो अपने USA जाने का, वहां से कुछ प्रोसेस लाना था, वो एक महीने का ट्रिप था। वहां जब गया तो जो भी कुछ वहां से सीख के आना था और जो वहां पर जिन्होंने सिखाना था, दे वर रिलक्टेंट टू पार्ट विद द नॉलेज, क्योंकि उनकी जो सारी चीजें हैं वो उनको चली जाती है, वो नहीं चाहते कि किस तरीके से हम सिखाएं और किस तरीके से, मतलब दे वर रिलक्टेंट। तो लेकिन ये बड़ा वरीड था वहां पर, तो इसने अपने ऑफिस के अंदर ऑफिस में ये बोला कि इसी तरीके से मुझे तो कोई बता नहीं रहा, मेरा टाइम भी करीबन 1 हफ्ता हो गया, तो लाइक वाइज तो बाकी टाइम में कुछ सीख भी नहीं पाऊंगा मैं। तो गुरु की कृपा से इसके ऑफिस वालों ने इसका जो है ना 1 हफ्ता बढ़ा दिया, पूरा कर दिया, और इसका मेंटर बदलवा दिया, इसका मेंटर वहां बदल गया। और जब ये उस मेंटर के पास गया तो उसके वर्क स्टेशन के ऊपर संग जी ये लॉर्ड गणेशा का स्टैचू था, मोहन दयाल गालो वो आदमी क्रिश्चियन था, उसको दोनों पेरेंट्स क्रिश्चियन थे, और ये गया तो वहां पर इसको लॉर्ड गणेशा का स्टैचू मिल गया। ये बड़ा हैरान हो गया कि लॉर्ड गणेश स्टैचू इनके वर्क स्टेशन में क्या कर रहा। एंड ये आस्क्ड हिम कि मिस्टर जैसन, ये लॉर्ड गणेशा का जो स्टैचू आपके पास कैसे, तो उसका जवाब संग जी ये था कि
राइट फ्रॉम बिग चाइल्ड हुड, ना मुझे इंडियन गॉड एंड गॉडेस बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उसलिए। और इतना ही नहीं, जब मैं पैदा होने वाला था तो मेरी जो आंटी है, मदर है सॉरी, मेरी मदर तो नॉन वेज भी नहीं खा पाती थी, ऑल द 9 मंथ्स शी वाज नॉट एबल टू टेक नॉन वेज। तो ये भगत ही समझो ना गुरु महाराज का, जिनकी जिसके बस स्टेशन में गुरु जी के लॉर्ड गणेश का स्टैचू हो। और एनीवे उस आदमी ने फिर इसकी बहुत मदद करी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ काफी मदद करी, ऐसा सही रह दिखाया जो कि इसके लिए इम्पॉसिबल था देखना, क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। और काफी मदद करी, बहुत सारा सिखाया, पूरा एरिया दिखाया, और इस तरीके से वहां इसको काफी। फिर वो आदमी यहाँ पर आया इंडिया के अंदर, क्योंकि वो प्रोसेस जो वहां सीखते हैं इंडिया में आकर उनको सेटल करना पड़ता है। तो ये जब यहाँ वो आया तो मेरे बेटे ने क्या किया, उसको उस बंदे को बड़े मंदिर ले गए पवन दहाल गांव के, उसकी ये भी तो गुरु जी का बुलावा ही था ना, अदरवाइज क्रिश्चियन को बड़े मंदिर ले जाने की क्या जरूरत थी। मेरा बेटा बड़े मंदिर ले गया और ये आदमी वहां पर जाकर के सिंहासन के पास ऐसे बैठ गया जैसे पता नहीं गुरु महाराज का कितना पुराना भगत है। और जो चाय प्रसाद देने के लिए आए दीपक गुप्ता अंकल, वो इसको हिला करके चाय प्रसाद दिया, ये इतना खोया हुआ था आदमी। अदरवाइज शब्दों में एक क्रिश्चियन का कैसे इंटरेस्ट बैठेगा, पर वहां शब्द नहीं, वहां इसके उस आदमी के तार जुड़ गए सिंहासन पे महाराज से। और फिर जो वहां से ये निकला बाहर निकले, हाँ लंगर किया चाय प्रसाद किया सब कुछ किया, जब मंदिर से बाहर आए तो उसने पूछा, मिस्टर जैसन हाउ डिड यू फील, हाउ वाज इट, तो उसके मुंह से बस सिर्फ ओह निकला और कुछ भी नहीं, मतलब कहने का बहुत बहुत ज्यादा वो खुश था वहां पर। देन अगेन कुछ दिनों के बाद वो बंदा खुद कहता है, कहते मेरे रूडी एक बार दोबारा उसी जगह पे फिर दोबारा मुझे लेके जाओ। अगेन देखो आप, महाराज दोबारा बुला रहे हैं उसको, और ये खुद अपने मुंह से बोला कि मुझे दोबारा उस मंदिर में फिर लेके जाओ, और ये दोबारा फिर लेके गया उसको बड़े मंदिर में। और वहां उस दिन थोड़ा लेट पहुंचे थे, भवन के अंदर नहीं मतलब टेक पाए मत था, और बाहर सिंगला आंटी ने उनको अपना लंगर कराया, कहते हैं बिना लंगर के मैं नहीं जाने दूंगी, यानी कि दोबारा फिर लंगर किया वहां पर। और इस तरीके से मैं आप इसको इतना बताना चाह रहा हूँ कि गुरु महाराज की संगत कहाँ कहाँ है, किससे महाराज ने मेरे बेटे की मदद करवाई, जो गुरु जी से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। अब जाते हुए इसने फिर किया, महाराज का एक स्वरूप जो है ना करीबन 1 फुट की ऊंचाई का था, लंबाई का, वो उसको फ्रेम करा के दे दिया और वो अपने अटैची में ले गया। ले जाने के बाद संगत जी आप हैरान हो गए जब मैं बताने जा रहा हूँ, उस स्वरूप को उसने अपने घर के अंदर मंदिर में रख दिया। अब एक क्रिश्चियन का मंदिर हो सकता है क्या, लेकिन वो का मंदिर था, उस मंदिर में पूरा शिव परिवार था संगमरमर का, और उस संगमरमर की जो रेशो मूर्ति की जो रेशो थी वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1:4 थी, 1:4 थी, यानी कि जो स्वरूप महाराज का था वो 1 फुट ऊंचा होगा, तो शिव दरबार उनका करीबन 4 फुट ऊंचा था। यानी कि अभी आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि किस तरीके से महाराज की संगत कहाँ कहाँ है। मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि टेम्पररी महाराज ने क्रिएट कर दिया, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये हवा के अंदर गाड़ियां दौड़ा सकते हैं, टेम्पररी गाड़ियां चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, श्रद्धा एक्सप्रेस चला सकते हैं, अपना भूतों वाली गाड़ी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। जब वहां पर इस बंदे को उसके घर के अंदर पूरा शिव परिवार दिखा दिया, तो ये है हमारे गुरु महाराज, जो कि हर तरीके से आपकी हर घड़ी हर क्षण हर पल रक्षा करते हैं, और आपको कहीं भी मतलब ऐसा नहीं महसूस होने देते कि वो आपके साथ नहीं खड़े, हमेशा आप उनको याद करो, एंड ही इज ऑलवेज देयर स्टैंडिंग बाय यू। कभी भी आप सोचोगे नहीं कि भी आपने उनको आपको आपकी उन्होंने मदद नहीं करी, ऐसा कुछ भी नहीं। एक सत्संग संगत जी मैं और करूंगा, वो नॉर्मली हम कहते हैं ना कि जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग करने वाला का ही भला होता है और सत्संग सुनने वाला का भी भला होता है। तो एक बार ये ऐसा हुआ, एक DLFS 1 के अंदर सत्संग था और हमने वो अटेंड करने जा रहे थे, घर से निकल रहे थे। तो घर से निकलने से पहले मेरी आंटी मुझे कहती है कि
ये लगभग 2010 या 11 की बात कि आप ऐसा आप घर से सॉरी थोड़े कपड़े ना ढंग तरीके पहन लेना, जैकेट ढंग तरीके पहन लेना, ऐसा ना हो कि वो कोई आपको कोई सत्संग करने के लिए बोल दे। तो मुझे नॉर्मली समझ मैं उतना डस्ट कॉन्शियस नहीं, अब तो फिर हो गया हूँ गुरु महाराज के पास जाते आते, लेकिन उस वक्त नहीं था। तो आंटी ने सचेत किया कि ढंग तरीके जैकेट पहन लेना, फरवरी के या जनवरी के दिन थे, कहीं ऐसा ना हो कि आपको सत्संग करने के लिए बोल दे। मैंने कहा ठीक है मैं तो वो तो पहन लूंगा, लेकिन मुझे सत्संग करने के लिए कोई बोलता नहीं बिल्कुल भी। तो खैर हम घर से निकल पड़े, वहां समझ गया आप विश्वास करना, जब मैं जोड़े उतारे, जोड़े उतारने के बाद पहला आदमी जो मुझे मिला वो मिस्टर वी के पुष्करना अंकल थे, वो भी बड़े प्राणी जुड़े हुए हैं। वो मुझे बोलते हैं जोशी अंकल आपको 5 मिनट का सत्संग करना है, जिसके लिए मुझे आंटी ने घर से ही आगाह कर दिया, घर से ही मतलब बता दिया कि हो सकता कोई करने को बोल दे। जाते ही उन्होंने बोला कि आपको 5 मिनट का सत्संग करना है। अंदर कमांडर अंकल इंचार्ज के ही सत्संग के गया, महाराज ने सत्संग करवाया 5 मिनट का, बहुत बढ़िया। और फिर और वो उस दिन का जो माहौल था अंकल जी, उससे पहले मैंने इतना अच्छा इतनी अच्छी एनवायरमेंट किसी सत्संग में नहीं देखी थी। 2009-10 की बात है, किसी घर के सत्संग, घर से बाहर प्लाट था खाली, उसमें करवाया था उन्होंने। चारों तरफ गुरु जी का ओरा, गुरु जी की प्रेजेंस, गुरु जी का माहौल इतना अच्छा था कि आपको लग रहा था कि चारों तरफ रौनक ही रौनक है। और वैसे माहौल में महाराज ने सत्संग कराया, इट वॉज ए प्लेजेंट वन। और फिर अगले दिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगले दिन हम तो बड़े मंदिर में गए, क्योंकि हमारा दिन एक सेम होता था, उस आंटी का हमारा सैटरडे। तो वॉशरूम से आ रहे थे, तो शी हैपन टू मीट मी और आई हैपन टू मीट हर। तो कहते हैं अंकल कल जब आप सत्संग कर रहे थे ना, हमने वीडियो देखा, तब तो आपके चेहरे के ऊपर ना ओम बन बन के जा रहा था, बार बार ओम बन रहा था। तो उस वक्त तो मुझे इस बात की महिमा या इस बात की गैप्टी समझ में नहीं आई थी। मैं ठीक है आंटी बन रहा होगा और अच्छी बात है, लेकिन बाद में मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि गुरु महाराज उस टाइम मुझे ब्लेस कर रहे थे, यानी कि गुरु जी ने घर में चलने से पहले मुझे आगाह करवा दिया कि तैयार होके जाओ, और फिर ये भी कहा दिखा दिया कि हाँ मैं ब्लेस कर रहा हूँ। तो चलने से पहले मैं सोच रहा कि करवाऊंगा, ब्लेस करूंगा। तो ऐसे है महाराज, हम कहते हैं ना कि भी जो करता उसका ही भला होता है, जो सुनते हैं उसका भला होता है। तो संगत जी महाराज तो हमेशा ही हमारे साथ खड़े रहते हैं, और जितना मैं इनका शुक्राना करूं उतना ही थोड़ा है मैं ये कहूंगा। और मैं सब टाइम होता जा रहा संगत जी, एक सत्संग और मैं करूंगा, बहुत छोटा सा है। ये कई बार हम बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, और गलतियां करते हैं अपने अनजाने में, या अपनी सहूलियत के लिए, या अपने किसी ईगो के चक्कर के अंदर, और ये नहीं देखते कि ये गलती का इम्पैक्ट क्या होगा। एक बार मैं बड़े मंदिर में बैठा था, और बड़े मंदिर के अंदर इन दिनों भी बहुत कम संगत हुआ करती थी, भवन में नॉर्मली हो जाता था हिसाब का, थोड़े बहुत बाहर रंगोलियां बैठते थे, तो ध्यान तो सिंहासन की तरफ ही रहता है। तो बराबर के अंदर मेरी एक आंटी आके बैठ गई, वो मुझे तो नहीं पता अभी बराबर में कौन बैठा कौन नहीं बैठा, लेकिन जब लंगर के नीचे के लिए नीचे जाने लगे और वो उन्होंने खड़ा किया बीच बेसमेंट में, उन्होंने लंगर हुआ करता था, तो खड़ा किया तो मैंने अचानक देखा कि मेरे आगे जो एक आंटी है जो कि 2.5 फुट कद की है, उसको बावनी की आंटी और छोटे कद की, हार्डली 2.5 फीट। मैंने कहा मैं तो इसके साथ लंगर नहीं करूंगा बिल्कुल भी, मेरे दिमाग में एकदम आया। और मैं चुपचाप जो है पिछली लाइन के अंदर खिसक गया, चुपचाप पिछली लाइन के मैंने गुरु जी को धोखा दे दिया और पीछे सर थरक गया। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, किसी को कहने की जरूरत भी नहीं है, तो ठीक है सरक गया सरक गया। और उस हिसाब से मैं लगभग 20 आदमी पीछे हो गया, वो आंटी मेरे से 20 एक डाइनिंग 20 आदमी होते हैं, तो लगभग 20 आदमी मेरे से पहले चले गए, मेरा नंबर 20 आदमी के बाद बेसमेंट में गए। संजय जी आप विश्वास करना, वहां पर 4-5 लाइनें थी, 4-5 लंगर की, जहां सेवादार कहते हैं वहीं जाना पड़ता है, सेवादार जहां मुझे डायरेक्ट किया मैं वहां बैठा, और वो आंटी मुझे उसी आंटी के साथ लंगर करना पड़ा।
जिसके साथ मैं नहीं चाह रहा था, और तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी गलती करी और किसको मैं धोखा दिया, महाराज को धोखा दिया। भवन में बैठा हुआ कहीं भी महाराज को धोखा, उनको जो सब कुछ जानते हैं। तो उसके मैंने, मुझे ये लग रहा था जिसके साथ मैं लंदन निकला, एक दिमाग में आ गई और वो गलती कर बैठा। खैर वो लंगर किया, और उस आंटी के साथ एक उसका चाचा या कोई रिलेटिव था, वो दूसरी थाली में था और मुझे उसके साथ थाली में लंगर करना पड़ा। तो मुझे इतना मतलब महसूस हुआ, गलती की माफी बहुत मांगी क्योंकि गलती करी बहुत जबरदस्त थी, क्योंकि आपको लंगर कौन सी थाली में करना, किसके साथ करना, कौन कौन से देवी देवता आपको उस टाइम ब्लेस करेंगे, ये गुरु महाराज का डिसीजन होता है। गुरु महाराज ये जानते कि किससे आपको ब्लेस करवाना है और किसके साथ लंगर करना है, और उसमें अगर हम हेरा फेरी करना चाहें तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। कई बार चाहते ना हम अपने परिवार के मेंबर के साथ ही लंगर करें, और ये इस सब कभी भूल के भी निकलना चाहिए। जहाँ जहाँ गुरु जी बिठाते हैं ना, या जहाँ सेवादार आपको कहता है वही गुरु जी का हुक्म होता है, वहीं बैठ के लंगर करना चाहिए। और हमें तो ये पता ही नहीं कि कौन कौन से हमें देवी देवता ब्लेस करते हैं। गुरु जी कहते हैं ना कि भी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कितनी देवी देवता ब्लेस करते होते हैं। उस वक्त सुनने में शायद ही अटपटा लगता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। उस वक्त हमें बहुत बहुत काफी देवी देवता ब्लेस करते होते हैं। इसका भी मैं उदाहरण दूंगा। एक बार ये बड़े फंक्शन के दौरान, पांच पक्ष होते हैं बड़े हमारे बड़े मंदिर के अंदर, दीपक गुप्ता अंकल थे, गुरु जी पूछ बैठे, खुद बता रहे थे वो अंकल कल कितनी गड़िया आई होनी बड़े फंक्शन से। तो कहते हैं कि मैं, मुझे तो कुछ पता थोड़ा था, मैंने गिनी थोड़ा थी, अपने मनी मने बोला मैंने, तो फिर मैंने बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, गुरु जी हजारे तो आई होंगी, मतलब कम लिया कल 10,000 गड़िया आई थी, कल 10,000 गड़ियां फंक्शन से आई थी। अब संगत जी, गुरु जी ने बोला 10,000 तो 10,000 आई थी, इसमें तो कोई चूक है ही नहीं, इसमें तो कोई मानने से इनकार कर ही नहीं सकता कि 10,000 गड्डियां आई थी, लेकिन वो 10,000 खड़ी कहां थी। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको कि जो इतने देवी देवता हम ब्लेस करते हैं और हमें दिखते नहीं है, वो जैसे 10,000 गड्डियां कहीं खड़ी थी ना, वैसे हम देवी देवता की वैसे ही ब्लेस करते हैं। तो गुरु महाराज की तो लीला अपरंपार है, जो मतलब अनंत है, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, बहुत कम बुद्धि है और उतना सोचना भी चाहिए। महाराज जैसे महाराज की रजा में राजी रहना चाहिए, जैसे ये चाहे वैसे ही करना चाहिए, अपनी जो है ना शान पर ज्यादा हमें नहीं दिखानी चाहिए बिल्कुल भी। तो मैं इसके साथ अपनी वाणी को, अपने सत्संग को विश्राम देना चाहूंगा और गुरु महाराज से अरदास करता हूँ कि अपने चरणों के साथ ऐसे लगाए रखना और अपनी पूरी संगत का महाराज ऐसे कल्याण करते हैं ना जैसे कर रहे हो। वो संगत का महाराज बहुत, संगत को अपनी बहुत हाथों पे रखते हैं, संगत को जरा सी परेशानी महाराज नहीं होने देते बिल्कुल भी। और मैं संगत का जो स्टम सुन लिए उनको भी हाथ जोड़ करके उनका धन्यवाद करता हूँ, जो इस तरीके से मन लगा के सुनती रही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म का बहुत धन्यवाद करता हूँ, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, अनंतम शुक्राना करता हूँ, और ऐसे अपना सत्संग समाप्त करने की गुरु महाराज से इजाजत देता हूँ। जय गुरु जी।